Okay, go ahead, Mr. Johnson Varghese. Bolo, kya hai problem? हाँ मैम, 2016 में IELTS ट्राई किया, वो मेरे को 5.5 मिल गया। बाद में मेरा एक भाई का फ्रेंड का भाई है, वो मेरे को IELTS स्कोर में हम लोग को ट्राई कर सकते हैं ऐसा बोल के हम लोग शुरू किया। वो टोटल 10 लाख पूछा, और अभी तक वो अभी 6 महीने का पहले वो LMI रेडी हो गया बोल के मेरे को 3 लाख पूछा, वो दिया मैं उसको। अभी तक LMI अप्रूवल नहीं होगा, वो बोल रहे पहले दूसरा एक कंपनी का एड्रेस दिया मेरे को, अभी जी आपको मैम स्काइप में एड्रेस भेज दिया, और जी ट्रांसपोर्टिंग लिमिटेड बोल के एक कंपनी है, तो फुल डिटेल दिया मेरे को, फिर भी वो बोल रहे ये रेडी होएगा, थोड़ा रुकना चाहिए ऐसा बोल रहे। अभी 1.5 साल का ऊपर हो गया, मैं उसको 6 लाख दिया, अभी तक कुछ नहीं रेडी नहीं हो रहे। बाद में मैं उसका साथ थोड़ा गुस्सा से बात हो गया, बाद में वो 1 लाख रुपया मेरे को वापस दिया। अभी भी ये बोल रहे आपको नहीं चाहिए तो आप एप्लीकेशन फीस का बाकी पैसा पूरा मेरे को वापस दिएगा ऐसा बोल रहे। पैसा का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा मेरे को मेरा घर वाला का सामने है, वो पैसा का प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी प्रोग्रेस कुछ नहीं होता है, वो बहुत टेंशन है। मैं अभी एक माल्टा यूरोप कंट्री है ना, वो उधर एक ट्राई के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वो इंटरव्यू में पास हो गया, और ये लोग का साथ बात किया, वो इंग्लिश में स्काइप इंटरव्यू पास हो गया मैं। अभी उसको ऐसा कुछ नहीं देने के लिए वो खाली फ्लाइट टिकट बस। अभी मैं अभी दो ऑप्शन है मेरे को, इसलिए मैं अभी एक ऑप्शन फॉरवर्ड कर सकता है, दोनों नहीं कर सकता है, इसलिए मैं थोड़ा आपका एडवाइस लेके करेगा ऐसा सोच रहा। बहुत जल्दी जल्दी आपने सारी कहानी बोल दी भाई, मेरे को तो सवाल आपसे पूछने थे, आपने तो पूरी कहानी वैसे ही बोल दी। आप अभी हो कहाँ पर? हाँ मैम, गाड़ी में था। कौन सी गाड़ी में, कौन से शहर में हो, कहाँ पर हो अभी आप? मैं अभी केरला में बार्बेंस का गाड़ी में, ये मेरा गाड़ी। ये गाड़ी है आपकी, कौन सी गाड़ी चलाते हो, क्या है उसकी, बस है? नहीं ट्रक है। ट्रक चलाते हो यहाँ पर, तो यहाँ कितनी सैलरी है आपकी? मैं इधर का मेरा इतना ज्यादा नहीं है, फिर भी 40,000-25,000 ऐसा मिलता है। 40,000 या 25,000 दोनों में से क्या है? ये सेंटर में मिलता है 45,000 और 50,000। अच्छा 45,000 या 50,000 तक मिलता है आपको सैलरी, is that what you're saying? Yes, sir, यार यहाँ अगर इतना मिलता है तो ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम है आपको इधर उधर कनाडा जाने की जरूरत क्या है? पहली बात तो ये मेरे को ये पूछनी थी कि आपने जो पैसा दिया है किसी को कनाडा में जॉब लेने के लिए, तो वो उसका ऑफिस कहाँ पर है, वो लोग कहाँ पर है, कहाँ पर लोकेटेड है वो? ब्रिटिश कोलंबिया में था। ब्रिटिश कोलंबिया में वो है, और वो लोग क्या कोई लॉयर्स है, कोई ICCRC रजिस्टर्ड कंसल्टेंट है या नहीं? वो इतना मेरे को मालूम नहीं है, वो फिर भी वो पहले इधर आदमी लोग को हेवी ड्राइवर को लेके गया, और दूसरा एक शेफ को भी लेके गया, वो उसको LMA पास हो गया, जॉब ऑफर मिल गया ऐसा बोल दिया। भाई आपने आपने कमाल की बात कर दी, आपको ये नहीं मालूम कि वो लोग लॉयर हैं या कंसल्टेंट है रजिस्टर्ड, और आपने उनको पैसा भी दे दिया। कितना पैसा दिया उन्हें? 6 लाख दिया। 6 लाख चले गए, 6 लाख के कोई रसीद लिया, कैश दिया, कहां से दिया, किसको दिया? आवाज कट रही भाई, भाई साहब आपकी। हेलो मैं उसका हेलो सर। हाँ बोले बोले, किसको कैसे दिया पैसा, कोई रसीद वगैरह कुछ है, कोई सबूत है कोई? हाँ है सर, एजू वर्ल्ड कनाडा समथिंग लाइक दैट सर, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग properly, Edu World Canada,
समथिंग लाइक दैट। नहीं उसको पैसा आपने कैसे दिया भाई, मैं पूछ रहा हूँ आपने उसको क्या बैंक से ट्रांसफर किया, चेक दिया, कहाँ से दिया? मैं बैंक ट्रांसफर किया था, बैंक से ट्रांसफर किया। उसके कनाडा का बैंक अकाउंट का नंबर है? है मेरे पास है वो, मैं बाद में आपको मैसेज कर सकता है। नहीं मेरे को नहीं मैसेज करो, मेरे को करने की जरूरत नहीं है, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि आपके पास अगर सबूत है बस इतना ही काफी है। तो मेरे को लगता नहीं कि ये लोग कोई लॉयर्स हैं या कोई ICCRC कंसल्टेंट है, लगता है कि कोई और कोई लोग हैं। तो आप आपने उनसे कहा कि अगर आपसे जॉब नहीं मिल रहा है, LMI नहीं मिल रहा, तो पैसे वापस करो, वो पैसे वापस करने को तैयार है? तैयार है और रेडी है। 6 लाख, 6 लाख तो जो जमा कर दिए उसमें कितने देंगे वापस आपको? अभी अभी ये बोल रहे वो एडमिशन के लिए रजिस्टर करने के लिए मे बी $1,000 कैनेडियन डॉलर स्पेंड हो गया, बाकी पूरा मेरे को वापस दिएगा बोल रहे, रेडी होगा। तो आपको छोड़ो, आप उस छोड़ो, मैं तो चाहता नहीं कि आपके $1,000 भी मारे जाएं, लेकिन जितना पैसा आपको मिलता है इमीडिएटली वापस ले लो उनसे, क्योंकि वहाँ काम करने की उम्मीद हमें नज़र नहीं आ रही कोई। और जितना भी हाथ में मिलता है आपको, 50,000 कटेंगे जितना भी वो काटेंगे उसको, यू नो इट्स अ लॉस। और आप अपने जो सारे पैसे वापस ले लो, वहाँ से कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। दूसरी बात, अगर आपको कोई कंप्लेन करनी है उनके खिलाफ, तो कंप्लेन करने के लिए तरीका, क्योंकि आप कनाडा से बाहर बैठे हो, आप कंप्लेन करने के लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि कंप्लेन कनाडा में करनी पड़ेगी उनके खिलाफ, पुलिस RCMP को या इमिग्रेशन को करनी पड़ेगी उनके खिलाफ। पता नहीं कब एक्शन होगा, नहीं होगा, कौन फॉलो अप करेगा, आपके पास इतना टाइम नहीं है। तो जितना भी उनसे भैया पैसे अगर वापस होता है तो पैसे लेकर अपने जेब में डालो। ओके, वो कंपनी का नाम मेरे को दिया, ऑफिस का पूरा एड्रेस नहीं, कंपनी का नाम तो अगर आप मेरे को दोगे तो मैं क्या करूंगा कंपनी का नाम को भाई, मैं कुछ फायदा होता है इसमें? सर सर जी, मेरे को, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूं, मैं कंपनी के पास जाके आपके बिहाफ पे लड़ूंगा नहीं कि उनको पैसे वापस करो, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको सिर्फ एडवाइस इतना ही दे रहा हूँ कि आप अपने पैसे जितने भी मिलते हैं उनसे कह दो भाई मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को पैसे जितने हैं वापस कर दो। ओके ओके, मेरा भाई लोग भी ऐसा बोल रहे हो, इतना साल हो गया कुछ नहीं हो रहा, पैसा वापस देने के लिए बोलो, ऐसा बोल रहे। हाँ तो पैसा वापस, जो एडवाइस दे रहे हैं आपको सही एडवाइस दे रहे हैं, चुप करके पैसा अपना वापस लो और अपना और कोई काम करो। और आपको कहीं और जॉब मिल रही है तो जॉब जहाँ जाना है वहाँ जाओ, बाकी यहाँ जॉब तो आप कर ही रहे हो। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, थैंक यू, टेक केयर ब्रदर।